देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं अर्षा शर्मा, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर आज से प्रदेश के सभी 403 विधानसभा में पदयात्रा निकालकर भाजपा हटाओ महंगाई भगाओ के साथ पदयात्रा शुरू हुई। आपको बता दें, कार्यक्रम के मद्देनजर आज ओबरा विधानसभा के गुरमा में मीना बाजार के पास जिला अध्यक्ष रामराज सिंह गौड़ की अध्यक्षता में ध्वजारोहण किया गया और 14 नवंबर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो कि स्वर्गवासी है जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में भी जाना जाता है, इस मौके पर उनकी जीवनी पर आधारित एक छोटी गोष्ठी आयोजित की गई। चले सुनते हैं रामराज गौड़ जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना है। आप जैसा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज जो है 14 नवंबर दिन है, आज से पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में जो है ये पदयात्रा निकली है भाजपा हटाओ गरीबी भगाओ के नारे के साथ जो है यह कार्यक्रम चल रहा है। इसी को लेकर ओबरा विधानसभा के गुरमा में जो है हम लोग आज यहाँ से पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। और वही जिला उपाध्यक्ष जगदीश मिश्रा भी वहाँ उपस्थित रहे। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर समूचे प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस जन महंगाई हटाओ भाजपा भगाओ के कार्यक्रम के तहत हम आदरणीय उत्तर प्रदेश की नेता हम सब की प्रभारी प्रियंका गांधी जी की जो 8 प्रतिज्ञा थी, इस प्रतिज्ञा को लेकर आम जनता के बीच में आज हम लोग पहुँचे हैं और आम जनता को आगामी उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित होने वालों में सलीम अंसारी, पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सेतराम केसरी, हरिशंकर गौड, समीम अख्तर, रॉबर्टगंज ब्लॉक अध्यक्ष अमरेश देव पांडे, चौपन ब्लॉक अध्यक्ष संतोष सिंह, नेताम भुवाल शर्मा, चंद्रिका परमानंद, सुकेश अंसारी, विजय कुमार वर्मा, सूरज चंद्रवंशी, पंचुकोल मनोज सिंह वहां उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।